नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहाँ पर मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। आज का जो टॉपिक है वो नितिन सिंघानिया बुक से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, आपको बता दूँ कि थर्ड एडिशन आ चुका है, तो उसमें कुछ टॉपिक्स ऐड हुई हैं। तो उसमें जो हमारा 2020 तक का जो भी करंट अफेयर है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इम्पोर्टेंट प्लेस है, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ है, जो भी रहा है उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, बिना देर किए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक्स की तरफ। सो फ्रेंड्स, जो पहला टॉपिक रहा है करंट अफेयर्स में वो है जयपुर सिटी, जिसको यूनेस्को ने डिक्लेयर कर दिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आपको बता दें कि जो जयपुर सिटी है उसे पिंक सिटी भी बोलते हैं, जिसे राजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 1727 में खोजा था, डेवलप किया था फॉर अ प्रॉपर अर्बन प्लानिंग सिटी। ओके, वहाँ की जो जो सड़कें हैं, जो स्ट्रीट्स हैं, वो आपस में सेंटर में मिलती हैं और एक ग्रिड पैटर्न बनाती हैं फ्रेंड्स। सो इसे 2019 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिल चुका है। सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है एयर इंडिया अलाउज हज पिलग्रिम्स टू कैरी जमजम वाटर इन फ्लाइट्स। आपको बता दें कि जो हज यात्रा होता है, सो वहाँ पे जो भी यात्री जाते हैं तो वहाँ से वो एक वाटर लेके आते हैं, जमजम वाटर, जैसे कि इंडिया में गंगा जल होता है, वैसे ही सऊदी अरेबिया में वहाँ पे जब जाते हैं हज यात्रा के लिए तो वो जमजम वाटर मिलता है वहाँ पर। तो एयर इंडिया ने जमजम वाटर लाने के लिए अलाउ कर दिया है। सो एक पॉइंट था ये फ्रेंड्स, मैं आपको नितिन सिंघानिया बुक से ही बता रहा हूँ, उसमें जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वही बता रहा हूँ। ओके, दूसरा पॉइंट है गांधी सर्किट इन बिहार। एक सर्किट डेवलप किया जा रहा है बिहार में, हो चुका है कंप्लीट, तीन डिस्ट्रिक्ट्स में है फ्रेंड्स, वो भीतीवाड़ा, चंद्रहिया, तुरकावलिया। ये प्रोजेक्ट सेक्शन हुआ है रूरल सर्किट थीम ऑफ स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत। ओके, इट इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट आइडेंटिफाइड फॉर डेवलपमेंट अंडर द स्पेशल पैकेज फॉर बिहार। मैं आपको बता देता हूँ कि भीतीवाड़ा वो जगह है जहाँ पे गांधी जी ने फर्स्ट टाइम सोशल वर्क किया था और जहाँ पे मोहनदास करमचंद्र गांधी से वह महात्मा गांधी बने थे फ्रेंड्स। पहली बार उनको वहाँ से वो नाम प्रमोट हुए थे जब वो चंपारण गए थे 1917 में। ओके, और तुरकावलिया, इट वॉज द बर्निंग सेंटर फॉर इंडिगो एग्रीगेशन, इट हैज़ वाइडली बीन रिफर टू द तुरकावलिया कंसर्न इन द कंटेस्ट ऑफ चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो मेन था वो इंडिगो एग्रीगेशन से रिलेटेड था फ्रेंड्स, जहाँ पे महात्मा गांधी पहुँचे थे, जिन्हें राजकुमार शुक्ला ने इनवाइट किया था वहाँ पे आने के लिए चंपारण में। ओके फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं फोटो है महात्मा गांधी जी का। ओके, सो ये था गांधी सर्किट इन बिहार, जो कि आपके एग्जाम में पूछ सकता है गांधी सर्किट इन बिहार कौन से तीन राज्य कौन से तीन डिस्ट्रिक्ट्स में है, तो वो है भीतीवाड़ा, चंद्रैया एंड तुरकालिया। ये याद रखने वाली बात है, भीतीवाड़ा से रिलेटेड पूछ सकते हैं कि भीतीवाड़ा में कौन से काम के लिए गांधी जी वहाँ पे गए थे और तुरकालिया से क्या काम से रिलेटेड था। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट, सेवा भोज स्कीम। फ्रेंड्स, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया है। सो इट्स अ सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स, और आपको बता दें कि ये जैसे कि फूड होता है, प्रसाद होता है, लंगर होता है, भंडारा, आप यहाँ पे जैसे ये देख सकते हैं, ये लंगर में बैठे हुए हैं लोग। तो इनका इस स्कीम के तहत वैसे इंस्टीट्यूशन को फाइनेंशियल सपोर्ट देना है जहाँ पे कम से कम मंथ में 5,000 लोग फ्री में खाना खाते हैं। सो वो उन इंस्टीट्यूशन को, मंदिर को, गुरुद्वारे को, मस्जिद को, जो भी होगा वो उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे कि आप और आगे बढ़ें। तो ये था सेव भोज स्कीम, ये भी हमारे बुक में दिया हुआ है। ओके,
मतलब कि करंट अफेयर्स जो भी आता है आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड, ये इसका बेस्ट टॉपिक था, तो याद रखने वाली बात है। दूसरा है वेदंता देशिकन। फ्रेंड्स आपको बता दें कि 1268 से 1369 तक ये रहे हैं। ये न्यूज़ में क्यों रहे हैं? क्योंकि 2019 में इनका 750वीं बर्थ एनिवर्सरी था फ्रेंड्स। ओके, ही इज़ द ग्रेट फिलोसोफर ऑफ श्री वैष्णव ट्रेडिशन। रामानुज पीरियड के बाद यही आए वेदंता। ओके, ये बिलीव करते थे विशिष्टावादिता फिलोसफी पर। ही इज पॉपुलरली नोन एज सर्वतंत्र सवन सर्वतंत्र। ओके, मास्टर ऑफ साइंस फिलोसफी आर्ट एंड क्राफ्ट्स, इसका मतलब यही होता है, मास्टर ऑफ साइंस फिलोसफी आर्ट क्राफ्ट्स, एज अवार्डेड एज द टाइटल कवि तारिका केसरी। इनको एक टाइटल मिला हुआ था कवि तारिका केसरी। ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि कवि तारिका केसरी किन्हें टाइटल मिला था। ऑप्शंस दे देगा आपके सामने, इसमें से वेदांता देशिकन भी आपको रख देगा। ये फिलोसोफर है जो वैष्णविज्म को फॉलो करते थे रामानुज के बाद फ्रेंड्स। ओके, तो 750वीं बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया जिसपे भारत सरकार ने एक स्टाम्प निकाला है, सबसे बड़ी बात तो ये है। ओके, सो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट, रामानुज स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी। फ्रेंड्स जैसे कि हम स्टैचू ऑफ यूनिटी जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल का तो जानते हैं। ओके, सो वैसे ही यहाँ पे रामानुज का, जैसे कि मैंने बताया था पोस्ट, ये जैसे कि यहाँ पे रामानुज पीरियड एंड बिलीव इन द विशिष्टावाद फिलोसफी, रामानुज के बाद वेदंता आए थे। ओके, जो कि ये भी वैष्णविज्म से ही हैं। इनका जो स्टैचू बनाया गया है वो 216 फुट का है, वो कहाँ पे है? हैदराबाद में है। ओके, ये न्यूज़ में इसलिए आया है क्योंकि जो ग्रेट बुद्धा ऑफ थाईलैंड है 302 फीट का, उसके बाद ये दूसरे नंबर पे, मतलब कि ये सेकेंड टॉलेस्ट स्टैचू इन द सीटेड पोजिशन, थाईलैंड के ग्रेट बुद्धा के बाद ये हमारा रामानुज स्टैचू ऑफ इक्वेलिटी दूसरे नंबर पे आया है, इसीलिए न्यूज़ में रहा है। ओके फ्रेंड्स, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कमल के कुछ पत्ते टाइप के दिख रहे हैं, लोटस पेटल्स, जो कि इसका हाइट 27 फीट का है सिर्फ। ओके फ्रेंड्स, इसके नीचे हाथियाँ आपको बहुत सारी नज़र आ रही होंगी, 36 एलिफेंट्स हैं इसके नीचे। ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं कि ये 11 से 12 सेंचुरी में ये आए थे, फिर इनके बाद से वेदंता जी आए थे। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक, गवर्नमेंट एडॉप्ट्स हेरिटेज साइट। भारत सरकार ने क्या किया है कि कुछ कॉरपोरेट और कुछ गवर्नमेंट सेक्टर्स को हेरिटेज साइट सौंप दिए हैं, क्योंकि भाई आप देख रेख करो, साफ सफाई बनाए रखो, हमारा धरोहर भी ठीक रहेगा और आपको इनकम भी आता रहेगा। तो उस स्कीम का नाम है अपनी धरोहर अपनी पहचान प्रोजेक्ट। ये इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के थ्रू है। ओके, अंडर द ASI मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड स्टेट यूनियन टेरेटरीज गवर्नमेंट्स। ओके, ए कंपनी टू यूटिलाइज इट्स कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स टू डेवलप एंड कंजर्व द थ्री मॉन्यूमेंट्स लीगल स्टेटस ऑफ मॉन्यूमेंट्स डज नॉट चेंज आफ्टर एडॉप्शन। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें टोटल 10 साइट्स हमारे भारत के, वो अलग अलग कंपनीज को अलग अलग गवर्नमेंटल सेक्टर्स को सौंप दी गई हैं। ओके, 10 10 साल के लिए दिया गया है। पहला जो है वो रेड फोर्ट है जो कि दिल्ली में है, फिर है गंडईकोंडा फोर्ट आंध्र प्रदेश में है, ये रहा गंडईकोंडा फोर्ट आप देख सकते हैं, जंतर मंतर दिल्ली, जयपुर राजस्थान में भी है, टोटल 5 जंतर मंतर है जैसे कि मैंने आपको बताया, राजा सवाई जय सिंह उन्होंने इन सबका जितना एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनका खोज किया था, उसमें से एक जंतर मंतर है ये। हजारा रामा टेम्पल कहाँ पे है फ्रेंड्स? ये भी हमारा दिल्ली में ही है। ओके सॉरी, जंतर मंतर है वो दिल्ली में है, हजारा रामा टेम्पल हम्पी कर्नाटका।
ओके, लेह पैलेस लद्दाख रीजन में, अजंता कैब्स महाराष्ट्र में है, कुतुब मीनार दिल्ली, सूरज कुंड हरियाणा, ये रहा सूरज कुंड। ओके, माउंट स्टॉक कैंगरी ट्रैक लद्दाख रीजन, और दसवा है एरिया सराउंडेड गंगोत्री टेम्पल एंड ट्रेल टू गौमुख, जो उत्तराखंड में गौमुख है उसे भी एडॉप्ट कर लिया गया है। फ्रेंड्स, मैंने इन कंपनियों का नाम तो नहीं बताया, लेकिन अगला वीडियो बनाऊंगा उसमें इन सब का नाम भी होगा। ओके, तो ये कुछ 10 हेरिटेज साइट्स हैं जिन्हें भारत सरकार ने पब्लिक सेक्टर्स और गवर्नमेंट सेक्टर्स को भी सौंप दिया गया है, जिसे इनका रखाव होगा और ये बची रहेंगी। सो इस स्कीम का नाम दिया गया अपनी धरोहर अपनी पहचान। सो ये हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक था फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, अगर वीडियोस आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर ज़रूर लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें कि आने वाले हर एक वीडियो आपको मिलता रहे। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फ्रेंड्स। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।